नमस्कार। मौजूदा वक्त में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन हार्ट रिलेटेड बीमारियों के कारण लोगों की मौतों के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्रोनरी आर्टरी रोग जैसी समस्या भी लोगों में काफी देखने को मिल रही है। इन दिनों लोगों के अचानक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के मामले भी खूब सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हार्ट रिलेटेड बीमारियों के होने से पहले इनके कुछ संकेत और लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, जिन्हें अगर आप समय रहते पहचान लें तो आप गंभीर नुकसान से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। चलिए एक्सपर्ट से ही जानते हैं वो 8 साइन जिससे आप जान सके कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और तुरंत आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के साइंस के बारे में, 8 साइंस ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट अटैक। नंबर 1 पे आता है जो कि बहुत टिपिकल साइन या सिम्टम माना जाता है, वो है छाती दर्द, चेस्ट पेन। अगर आपको बहुत तेज से छाती दर्द हो रहा है चेस्ट के सेंटर में या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट या लेफ्ट आर्म में, तो ये हार्ट रिलेटेड है। दूसरा जो कि एटिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स बोलते हैं, मतलब छाती दर्द छोड़ के और जो लक्षण है जो हार्ट की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सांस फूलना। तीसरे नंबर पे आता है फेटीग, मतलब बहुत सुस्त होना। अगर आप थोड़ी डिस्टेंस चल रहे हो, पहले आप वो आराम से चल सकते थे, अभी वो चलने में बहुत आपको सुस्त हो रहा है और थकावट हो रही है, तो ये हार्ट के रिलेटेड हो सकता है। चौथे नंबर पे आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण एटिपिकल साइन एंड सिम्टम है, जो कि हम गैस्ट्राइटिस की तरह आता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक हो रहा है या फिर बर्पिंग्स हो रहे हैं, तो ये हार्ट के कारण हो सकता है। पांचवें नंबर पे आता है पाल्पिटेशंस या फिर धड़कन बहुत तेज होना या आपको खुद का धड़कन महसूस होना। छठे नंबर पे आता है स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना छूटना। समर नहीं है, बहुत तेज सन नहीं है, फिर भी आप बैठे बैठे आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट के प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। फिर सातवें नंबर पे आता है लाइट हेडेडनेस या चक्कर की तरह आना। अगर आपको लाइट हेडेड लग रहा है और बहुत तेजी से लग रहा है, तो ये हार्ट रिलेटेड हो सकता है। एंड फाइनली एट्थ साइन है सिंकोप, मतलब अगर आप एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तो भी ये हार्ट रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आपको ये 8 साइंस है, तो अगर आपको एक बार हार्ट के डॉक्टर को मिल लेना चाहिए और उसका जांच या फिर इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। थैंक यू। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।